खबर इंदौर से, जहां पर आईईटी हॉस्टल में दो गुट छात्रों के आपस में भिड़ गए और विवाद इतना बड़ा कि जमकर एक दूसरे के ऊपर पथराव किया गया, दौड़ा दौड़ा कर पीटने की कोशिश की गई। पथराव में दो छात्र घायल हुए हैं और इसके बाद छात्रों के दोनों गुट थाने पहुंचे शिकायत करने के लिए। अब किस बात को लेकर यह विवाद हुआ, ये जानकारी फिलहाल निकल कर नहीं आई है, जो कि शिकायत थाने में हुई है और पुलिस की जांच में ही चीज़ें निकल के सामने आएंगी। लेकिन ये आईईटी हॉस्टल है और यहाँ पर छात्रों के दो गुट आमने सामने हो गए। अक्सर छात्रों के बीच इस तरह से गैंगवार की खबरें आती हैं और चूंकि छात्रों के आपस में गैंग बनते हैं, गुट हो जाते हैं, तो ये गुटबाजी हुई, इस तरह से विवाद हुआ और विवाद के बाद छात्रों के बीच जमकर एक दूसरे की तरफ से पथराव चले। अंशुल मुकाती हमारे सहयोगी जुड़े से बात करते हैं। अंशुल, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं ये हॉस्टल है, हॉस्टल परिसर में छात्रों के दो गुट हैं, आपस में जमकर पथराव हो रहा है और किस बात को लेकर यह विवाद हुआ कि इस तरह से पथराव की नौबत वहां पर आ गई, चूंकि मामला थाने में भी पहुंचा है, अभी तक क्या अपडेट आपको मिल पाया अंशुल, बताइए जरा। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि इंदौर के देवेंद्र विश्वविद्यालय के आईटी डिपार्टमेंट के बाहर का पूरा घटनाक्रम है, जहां पर कि इस प्रकार के दो छात्र गुट जो है आपस में भिड़े और बताया जा रहा है कि एक छात्र गुट जो है वो हॉस्टलर था और दूसरे छात्र बाहरी छात्र बताए जा रहे थे कि जिनका किसी बात को लेकर के यहाँ पर आपस में विवाद हुआ था और उसके बाद यह विवाद इतना बढ़ गया कि इस विवाद में लाठी डंडे तक निकल आए और छात्रों के दोनों गुट ने एक दूसरे पर पथराव कर दिया। हालांकि यह ड्रामा काफी देर तक चलता रहा और काफी देर तक ना तो डीएवीवी के गार्ड्स वहां पर मौजूद थे, ना ही डीएवीवी की तरफ से कोई प्रशासनिक अधिकारी वहां पर पहुंचा था, ना ही पुलिस वहां पर पहुंची थी। काफी देर बाद पुलिस यहां पर पहुंची और पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले की जांच शुरू की गई। हालांकि इस प्रारंभिक जांच में आईटी डिपार्टमेंट के जो कर्ता धर्ता है, जो अधिकारी हैं, उन्होंने इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया और कहा कि छात्रों का आपसी विवाद था जिसकी उन्हें जानकारी नहीं है और इसके बाद वो जांच करेंगे। हालांकि जो वीडियो वायरल हुए हैं उस वीडियो के आधार पर पुलिस ने अपनी जांच शुरू की है और जो पथराव करने वाले छात्र है उनका पता लगाया जा रहा है और उनकी पहचान की जा रही है। हालांकि जो आईटी डिपार्टमेंट के हेड है उनका साफ कहना है कि इन छात्रों की पहचान कर इन्हें अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए इन्हें नोटिस जारी किया जाएगा और इनसे जवाब भी मांगा जाएगा। लेकिन एक बड़ा घटनाक्रम यह सामने आया कि जहां पर करीब 200 से अधिक सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात रहते हैं, सीनियर सिटी कैंपस में इस तरह से सरेआम लाठी और पथराव जो है वो चल रहा था और इस दौरान ना ही कोई सुरक्षा के इंतजाम दिखाई दिए थे और ना ही किसी प्रकार की कोई यहाँ पर सुरक्षा दिखाई दी। जी अंशुल, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। हालांकि फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और पथराव किसने किया है ये भी जांच होगी, उसके बाद छात्रों पर कार्रवाई भी की जाएगी।